हेलो बच्चों। अच्छा, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। कैसे आपको मैं बताती हूँ। आप जब भी बर्थडे मनाते हैं तो आप नाइट में 12 बजे से मनाते हैं। जैसे ही नाइट में 12 बजते हैं और आपका हैप्पी बर्थडे शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो रात को 12 बजते हैं तभी से न्यू डे स्टार्ट हो जाता है, डेट चेंज हो जाती है। सपोज करो 8 थी तो 9 स्टार्ट हो जाती है। ओके, इसी तरह हमारा टाइम नाइट में 12 से स्टार्ट होता है और 12 स्टार्ट होके नाइट के और फिर वो टाइम चलता जाता है। मॉर्निंग में 5 बज जाते हैं, फिर स्कूल टाइम हो जाता है, ऐसे करते करते फिर आपका स्कूल में 12 o'clock हो जाते हैं, वो आफ्टरनून का हो जाता है 12। तो नाइट से 12 और पूरा आफ्टरनून के 12 पे आ जाता है। एक राउंड कंप्लीट हो जाता है जिसमें होते हैं 12 आवर्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आवर्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं वन राउंड में। फिर आता है सेकेंड राउंड, फिर से आफ्टरनून के 12 के बाद फिर जब टाइम स्टार्ट होता है आफ्टरनून में 1 बजता है, 2, 3, 4, फिर इवनिंग स्टार्ट हो जाती है। इवनिंग स्टार्ट होके फिर नाइट बनने लग जाती है और ऐसे पूरा राउंड करते करते नाइट के 9 o'clock, 10 o'clock, 11 और 12। जैसे ही 12 नहीं, 11:59 यहाँ पे वो लास्ट डे का लास्ट मिनट होता है, लास्ट टाइम होता है। और यहाँ पे भी उसके आफ्टरनून से लेके नाइट तक में 12 आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं। फर्स्ट राउंड के 12 आवर्स, सेकेंड राउंड के 12 आवर्स, दोनों 12 आवर्स मिलके 24 आवर्स बनते हैं, यानी 24 घंटे बनते हैं। इसी तरह से 24 घंटे में पूरा वन डे कंप्लीट हो जाता है। तो वन डे में कितने आवर्स हुए, कितने घंटे हुए? 24 घंटे। थैंक यू।